तो कैसे हमने चेक किया, 11 के स्क्वायर को हम जब लिख रहे हैं तो कैसे लिखा हमने, कैसे पता लगे कहाँ पे रुकना है? तो हमने ये देखा 1 3 5 7 9 11 13, तो काउंटिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो देखो काउंटिंग करके 11 आ गया। तो जहां 11 खत्म हुआ है एक्चुअली में यही इसका स्क्वायर है, और इसका सम कितना आएगा, 121। ध्यान देंगे, 1 कितना का? अगर मेरे को 12 का स्क्वायर करना है तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको सम लिखना है ऐसे, तो 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, ठीक है बेटा, ऐसे ही चलते जाएंगे। कहां तक जाएंगे हम, अब 21 तक तो आपके पास ऑलरेडी आ रहा है बेटा, 21 तक तो देखो 11 का ही है, तो एक्चुअली में आप देखोगे तो 17 प्लस 19 प्लस 21, तो 23 तक आपका काम बन जाएगा। यहां पे आप कह सकते हो ये किसका स्क्वायर आ गया, 12 का स्क्वायर आ गया, और ये आ गया 144, ठीक है बेटा। तो ये चीजें याद रखनी है, इनको भूलना नहीं है। अब इसकी हेडिंग क्या डालें, तो हेडिंग आप देख सकते हो, लिखो स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एक्सप्रेस्ड, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ फर्स्ट ऐसे लिख लो, या फर्स्ट ऐसे लिख लो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फिर से बेटा ध्यान से सुनेंगे, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे, मान लो 5 का स्क्वायर है, तो इसको मैं जब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, या एन नेचुरल नहीं लिखोगे, एन नेच और नेचुरल नंबर लिखो इसको, एन और नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर नहीं है, सिर्फ ऑड है, तो एन और नेचुरल नंबर्स। तो अगर आप यहां देखोगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो आपने यहां देखा होगा, दिख रहा है आपको, ये सारे ऑड नंबर्स हैं और ये सारे कॉन्जिक्यूटिव हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, ऑड नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है, कि पहले एन नेचुरल नंबर्स जो कि ऑड हो, तो पहले एन नेचुरल नंबर में मतलब क्या हो गया, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 3 5 7 9, तो कोई भी सीक्वेंस है, जैसे 11 का भी आपने देखा स्टार्टिंग 1 से ही हो रही है, और कोई भी बीच में छूट नहीं रहा है, सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, सारे ही ऑड नंबर्स आ रहे हैं इसमें, कोई भी बीच में नंबर छूटा नहीं है, कहीं भी आप देख लो। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है, कि सारे ऑड नंबर्स आने चाहिए कहां से, 1 से, और मैंने आपको बता दिया है कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कितने तक लिखना है वो आप देखो, जिसका भी स्क्वायर निकाल रहे हो, जैसे 1 निकाल, 5 है यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर निकाल रहे हो, तो आपको 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5, पहले फर्स्ट 5 और नेचुरल, ठीक है, नेचुरल नंबर्स तक, फर्स्ट 5 और नेचुरल नंबर्स तक आपको जाना है, ठीक है। अगर मैं उल्टा बोलूं, मान लो आपके पास ऐसे दिया है, और आपसे पूछा ये किसका स्क्वायर है, विदाउट एडिंग क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है विदाउट एडिंग, विदाउट एडिंग एडिंग, ठीक है, फाइंड द सम, फाइंड द सम, तो आप देखोगे यहां पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स हैं। 8 डिजिट्स का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर 8 डिजिट्स हैं तो इनका
क्या आंसर आएगा? 64. क्यों? क्योंकि ये सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है, और कहां से? स्टार्टिंग से, 1 से. तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा? 8 स्क्वायर, और वो कितना आएगा? 64. मतलब अगर मैं इसका सम करता हूं वो किसके बराबर होगा? 64. क्यों? क्योंकि इसमें कितनी डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. फर्स्ट कैसी है? एन और नेचुरल नंबर. फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर. और यहां पे कितनी है? फर्स्ट 8 और नेचुरल नंबर्स हैं. तो इसीलिए इसका सम जो है 8 के स्क्वायर के बराबर होगा. वो कितना आया? 64. बहुत ध्यान से इसको देखा, बेटा, ठीक है? कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें. इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे बेटा कि दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स. अब जैसे मान लो हमने एक स्क्वायर ले लिया, एक नंबर ले लिया n+1, ठीक है? ये नेचुरल नंबर है. n क्या था? नेचुरल. इसका स्क्वायर किया और दूसरा लिया हमने n, इसका स्क्वायर किया. ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है. देखो, जैसे अगर मैं बोलूं 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ऐसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 6 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, मान लो यहाँ लिखा 9 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, तो ये सारे कॉन्जिक्यूटिव है. जो इस साइड लिखा गया वो बड़ा है और जो इस साइड लिखा गया वो छोटा है. तो इन दोनों के बीच में, जैसे आप देखो, ध्यान से सुनना, 16 है. 4 का स्क्वायर कितना है? 16 है. 9 का स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर कितना है? 9. तो आप देखो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आए. बहुत ध्यान से, मैं 9 यहाँ लिखूं और 16 यहाँ लिखूं, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आए? तो मैं अलग पेन से आपको डिनोट करके दिखाता हूं. देखो, 10 आया, 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया और 15 आया. ये जो नंबर है इनके बीच में आ रहे हैं, ठीक है? ये सारे नंबर इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं. तो इसीलिए ये जो नंबर हरे वाले हैं इनको बोला गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स. इसीलिए इनको क्या बोला गया बेटा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स. तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये कितने नंबर आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आए. तो आपने अब क्या याद रखना है? देयर आर टू एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, ठीक है? दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में 2n नंबर्स हैं. तो अगर इसको मैं बोलना चाहूं, देखो ध्यान से, जैसे 4 का स्क्वायर था और -3 का स्क्वायर, तो आप देखो जो भी छोटा है ना उसको इंटू 2 कर दो. जैसे 3 छोटा है इसमें, तो 3 × 2 = 6. ऐसी मान लो कुछ भी लिख दिया, 11 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे जो कि नॉन परफेक्ट होंगे? तो 10 × 2, जो भी छोटा है. छोटा कौन है? 10. तो 10 × 2 = 20. ऐसी मान लो 16 का स्क्वायर है और यहाँ पे -15 का स्क्वायर है, तो आपने क्या किया? छोटा नंबर देखा कौन है? 15 है. तो 15, ठीक है, ये तो मैं माइनस करके दिखा रहा हूं, ठीक है? वहां पे जरूरी नहीं है ऐसे लिखे, वहां पे डायरेक्ट बोल दे कि नंबर बिटवीन, मान लो 25 स्क्वायर ऑफ 25 और 26, तो आपको ये देखना है दोनों में छोटा कौन है. 25 छोटा है, तो 25 × 2 करा, सीधे आंसर आया 50, ठीक है? अब कई बुक्स में आप देखोगे आपको एक डेरिवेशन दिखेगी, वो लिखा होगा n+1 का होल स्क्वायर -n स्क्वायर. ये एक्चुअली बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि होता है a+b और a-b, ये होता है. तो a+b कितना हो गया? a कितना है? n+1. इसको a मान रखा है और इसको b मान रखा है, मान लो +n,
और ये आ गया एन प्लस वन माइनस एन, तो आप देखोगे ये कट गया, यहां बचा वन और यहां बच रहा है टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, तो आंसर आ रहा है टू एन प्लस वन। ठीक है, ये जो चीज आ रही है बेटा, ये तो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स, ध्यान देंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है। कई बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, इसलिए मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूं, ये जो आया 2n plus 1, जैसे अगर आप मेरे से कहोगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर सर करते हैं, तो ये तो आ रहा है 16 माइनस 9 दैट इज 7, ये तो 6 आ ही नहीं रहा सर। हाँ, क्योंकि ये तो डिफरेंस बिटवीन है, मैंने जो वहां पे बोला है वो क्या बोला है, नंबर्स, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन, ये बोला है। तो बिटवीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के बीच वाला, बीच में जितने नंबर आ रहे हैं तो वो 6 आ रहे हैं, सातवां नंबर खुद 16 बन रहा है, जब 9 से मैं 7 बढ़ाता हूं तो सातवां नंबर 16 बन रहा है, इसलिए वो 16 नहीं काउंट करना है, हमने नॉन परफेक्ट निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर आपने बस ये याद रखना है अगर नॉन परफेक्ट है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स तो आपने डायरेक्ट बोला 7, अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स, तो आपने आंसर लिखना है 2n, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस लास्ट टू मिनट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बात, कई बच्चे कहते हैं सर 25 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर है तो मैं इसको 2 × 19 लिखूंगा, नहीं इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, रीजन क्योंकि यहाँ पे 25 और 19 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये गलती नहीं होनी चाहिए।